हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको बताया कोरियन बेसबॉल लीग चल रही है और इसका जो अगला मुकाबला है ये होने वाला है केटी विजबर से एसकेडब्ल्यू के बीच में इसकी। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से इसकी प्रोबेबल लाइनअप जानेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेयरों के बारे में जानेंगे और जल्दी से बनाएंगे अपनी विनिंग टीम। उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यदि आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यदि आप नए हो तो, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें इंजरी की, तो जे हवांग और टी चेज इंजर्ड है, इस मैच में नहीं खेलेंगे। बात करें दोस्तों बेस्ट पिक की, जो कि हमें लेने ही लेने, ये रहेंगे हमारे एम्ब्रोजस, ठीक है, 12 HR करे हैं, 36 RBI और 0.420 OVP की औसत है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेस्ट पिक हैं एम्ब्रोजस जे आर, जे यंग वू, कांग बियोंग हो, चोई जियोंग और हान डोंग मिन। ठीक है दोस्तों, ये मस्ट पिक है हमारी टीम के लिए। बात करें दोस्तों लास्ट 5 मैचों की, तो केटी विज ने लास्ट 5 मैचों में से 2 विन किए हैं, 3 लॉस के। वही एसकेडब्ल्यू की बात करें तो इसने 5 में से केवल 1 विन किया है, तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हम जो टीम बनाएंगे वो केटी विज को माइंड में रखते हुए बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करें केटी विज की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो केटी विज की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर की बात करूँ दोस्तों मैं, तो के टी विज की तरफ से जो इम्पोर्टेंट प्लेयर होंगे ये होंगे जे सुंगबू, लास्ट मैच में 24, उससे पहले 15 पॉइंट दिलाए। सिम्बुजुन 3, 13, 23 और 12 पॉइंट दिला चुके हैं अभी तक अपनी टीम को। एम्ब्रोजस जे आर 18, 39, 41, 30 पॉइंट दिला चुके हैं अभी तक अपनी टीम को। ये बंदा कैप्टन वाइस कैप्टन नेजरी से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो कांग वाइक हैं, 25 और 32 पॉइंट दिलाए हैं, केवल 2 मैच ही खेले अपनी टीम को। ठीक है, तो वाई जुंग डाई 6, 20, 4, 18 पॉइंट दिला चुकी है अपनी टीम को। तो कि चाहे आप स्मॉल लीग के लिए ग्रांड लीग, ये प्लेयर जो मैंने बताया ये हमारी टीम में होने चाहिए। बात करें दोस्तों एसकेडब्ल्यू की, तो एसकेडब्ल्यू की तरफ से जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जियोंग जिनजी, ठीक है, हर मैच में ये बंदा अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो इसको तो सबसे पहले पिक करना है। ठीक है दोस्तों, चोए जियोंग 15, 4, 12, 20 इतने पॉइंट दिला चुके हैं, ठीक है, अभी अपनी टीम को। बात करें अगले इंपॉर्टेंट प्लेयर की, तो जे रोमाक हैं, जे रोमाक भी कैप्टन और वाइस कैप्टन नजरिए से खासे इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही हो, पसंद आई हुई तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपनी ड्रीम टीम की, तो ये रहने वाली है दोस्तों मेरी ड्रीम टीम। देखिए 5 आउटफिटर ली हुए हैं मैंने, 2 इनफील्डर हैं, पिचर, कैचर। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करूँ तो मैंने बनाया दोस्तों रोमाक और रोजर्स को। आप चाहें तो आप एम रोजर्स के साथ सी जियोंग या एस डोंगमिन को ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, या के बाई के बी जियोंग डाई को ट्राई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, या आप जे रोमा के साथ जेजिन जी को भी ट्राई कर सकते हो कैप्टन वाइस कैप्टन में। ठीक है दोस्तों, तो एक टीम तो मैंने आपको बना के दे दी, अब मैंने एनालिसिस आपको बताया, तो एक टीम तो आपको ये रहने देनी, एक टीम में आपको क्या करना है स्मॉल लीग के लिए तो यही टीम रहने दे आप। अब ग्रैंड लीग के लिए आपको क्या करना है, एम्ब्रोजे के साथ आप जेजिन जी को वाइस बनाइए, ठीक है, जे रोमा के साथ आप बी जी यंग डाई को बनाइए। ठीक है, इस तरह से और स्मॉल लीग भी खेला करें आप 12, 17, 19 वाले। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो लाइक करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।